हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ प्रियंका, आपकी अपनी निकी, और आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक DIY टेंट का प्रोसेस। तो आपको मैं बताऊँगी कि कैसे आप घर पे रखे बेडशीट्स के यूज़ करके घर पे ही बच्चों के लिए टेंट बना सकते हैं। तो ये प्रोसीजर बहुत ही सिंपल है, आई होप आपको पसंद आए। तो सबसे पहले तो आपको एक एरिया चुनना है और एक मैट्रेस लेना है। फिर प्रेफरेबली एरिया ऐसा होना चाहिए जो बच्चों के लिए थोड़ा वॉल स्टिकर हो, सजाया गया हो। और एक बेडशीट ले लीजिए। बेडशीट मैंने एक बटरफ्लाई प्रिंट का बेडशीट लिया है, आप देख सकते हैं मैं इसको फोल्ड कर रही हूँ। जैसे आप साड़ी में बनाते हैं वो फोल्ड्स, वैसे ही इसको फोल्ड करना है। तो ये बेडशीट प्रेफरेबली बच्चों के कुछ प्रिंट का हो तो अच्छा लगेगा, जैसे बटरफ्लाई बच्चों को बहुत पसंद आता है। या फिर आप कोई कैरेक्टर वाला बेडशीट भी ले सकते हैं, जैसे पेपा पिग हो या फिर कोई कार्टून मिनी माउस वाला या मिकी माउस वाला, वो भी अच्छा लगेगा। ये देखिए मैंने ये बेडशीट को फोल्ड कर दिया है। मैंने फिर एक दूसरा फ्लावर बेडशीट भी लिया है। दोनों बेडशीट को मैंने एक रबर बैंड की हेल्प से यहाँ पर ऐसे टाई कर दिया है, ये देखिए रबर बैंड। फिर इसको मैं विंडो पर टक किया है मैंने, और फिर वहाँ पर भी विंडो पर मैंने उसको एक नॉट से सिक्योर किया है, आप देख सकते हैं। ये देखिए ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। फिर मैं मैट्रेस के नीचे ये बेडशीट्स को टक करूँगी। तो ये देखिए मैं यहाँ पे बेडशीट्स को मैट्रेस के नीचे लगा रही हूँ ताकि ये अच्छे से सिक्योर होके रहे। और आप देख सकते हैं फिर इस पर एक दोहार मैंने था, जो हम लोग सर्दियों में ओढ़ते हैं वो थोड़ा सा थिक रहता है, तो मैट्रेस के ऊपर मैंने वो दोहार को बिछा दिया है और उसको भी मैंने फोल्ड कर दिया है। तो मेरा कंप्लीटेड लुक कुछ इस तरीके का है। जो टेंट का फ्रेमवर्क है वो इधर है, तो आप देख सकते हैं कितना प्यारा लग रहा है टेंट। फिर अब हम थोड़ा सा टेंट को सजाएंगे। कुछ कुशन पिलोज़ को मैंने इसमें लगाया है, तो ये देखिए थोड़े से कुशन्स, और साइड में मैंने एक टेडी को सजा दिया है ताकि वो वॉल पे एक पैच था वो ना दिखे। ये देखिए कितना प्यारा लुक आ रहा है टेंट का, और बच्चों को बहुत मज़ा आएगा। फिर आप कुछ लाइट से भी इस टेंट को डेकोरेट कर सकते हो, जो स्ट्रिंग लाइट्स आती हैं कॉपर वाली, सेफ़ भी होती हैं बच्चों के लिए, तो वो आप यूज़ कर सकते हो। मैंने ये वाला लाइट यूज़ किया है डेकोरेट करने के लिए। टेंट के दोनों साइड पे मैंने लाइट्स को इस तरीके से सजाया है, और कुछ आर्टिफिशियल मनी प्लांट्स की लीव्स को भी मैंने इस तरीके से लगा दिया है। तो है ना फ्रेंड्स, देखिए कितना प्यारा लुक आ रहा है। अंधेरे में तो इसका मज़ा ही कुछ और आएगा। देखिए कितना अच्छा लग रहा है, बच्चों को इसमें खेलने में बहुत मज़ा आएगा। और ये देखिए लाइट्स ऑन करने के बाद ये कैसा दिखता है। तो ये लुक है जो आप कुछ अगर रोमांटिक डेट करना चाहते हो तो इस तरीके का एक लव कुशन मैंने लगा दिया है। बच्चों के अलावा बड़ों के लिए भी आप इसे सजा सकते हो इस तरीके के कैनोपी टेंट्स। और ये लुक बच्चों के लिए है। मैंने कुछ पेपा पिग सॉफ्ट टॉयज़ इसके अंदर डाले हैं और कुशन्स को लगा दिया है दोनों साइड्स में। अगर आपके दोनों बच्चे हैं, जैसे मेरी दो लड़कियां हैं, तो एक साइड पे एक और दूसरी साइड पे एक कुशन के ऊपर बैठ के खेल सकते हैं पेपा पिग टॉयज़ के साथ, या कोई भी और सॉफ्ट टॉय भी आप सेंटर में रख सकते हैं। तो ये देखिए ये मेरा कंप्लीटेड लुक है टेंट का, और ये लाइट्स ऑफ करने के बाद वाला लुक। तो आई थिंक फ्रेंड्स आपको काफ़ी पसंद आएगा, घर में आप लोग ज़रूर ट्राई करें ये लुक। बच्चों को, क्योंकि आजकल लॉकडाउन चल रहा है तो समर भी चल रहा है, तो घर में ही रहना होता है मोस्ट ऑफ़ द टाइम, तो कुछ तो उनको भी चाहिए क्रिएटिविटी और स्टफ़ जिसमें वो लोग एंजॉय कर सकें। तो देखिए फ्रेंड्स कितना प्यारा लुक है, इसमें कुछ पेपा पिग वाला कुशन लगाया है मैंने। तो ये लुक भी आप लोग ज़रूर ट्राई करें फ्रेंड्स। आई होप मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो मिलते हैं एक अगले वीडियो में कुछ नए DIY के साथ। तो तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स। Pas de soleil, pas de soleil, pas de soleil.